हेलो एंड वेलकम टू रॉकी पीएनसी क्लासेस। रॉकी पीएनसी क्लास में आपका स्वागत है। आज मेरा 13 नंबर क्लास है। 13 नंबर क्लास में मैं टी ऑफ टाइमर के बारे में डिस्कशन करूंगा। जो ऑफ टाइम डिले है, मैंने पिछले क्लास में टी ऑन टाइमर के बारे में डिस्कशन किया था। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो मेरा पिछले वीडियो आप लोग देख सकते हैं। मैंने वो लेक्चर नंबर 12 में अच्छी तरह से डिस्कशन किया हूँ। जो हमारा पीएलसी लैडर सिमुलेटर ऐप में जो टी ऑन टाइमर का जो ब्लॉक डायग्राम में कैसे बनाएंगे उसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। उसका डॉन बीट, टीटी बीट, उसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। तो आज मेरा टी ऑफ टाइमर है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं टी ऑफ टाइमर। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो टी ऑफ टाइमर में पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। टी ऑफ टाइमर क्या है, मान लीजिए ये हमारा एक मोटर है, ठीक है। यहां पे हम इनपुट दिए, ठीक है। मोटर हमारा आउटपुट है। अगर हम इनपुट देने के बाद तुरंत मोटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम डिले के बाद, मान लीजिए 10 मिनट, 10 मिनट डिले के बाद ये मोटर ऑफ होना चाहिए, उसको हम टी ऑफ टाइमर डिले बोलेंगे। और एक बार देख लीजिए, हम लोग इनपुट दिए, इनपुट ऑन किए, मोटर ऑन हुआ, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट के बाद मोटर ऑफ हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली होगा। अगर हम टी ऑफ टाइमर एक लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली होगा, इसको बोलेंगे हम टी ऑफ टाइमर। इसके कोई 10 मिनट के जाके स्विच को ऑफ नहीं करना पड़ेगा, हम लोग टाइमर में सेट कर देंगे, टी ऑफ टाइमर में सेट कर देंगे 10 मिनट का। यहाँ पे इनपुट चला, इनपुट को प्रेस कर देंगे, उसके बाद हम ऑफ नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली 10 मिनट के बाद वो मोटर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ऑफ टाइम डिले, ठीक है। चलिए इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा टी ऑफ टाइमर का ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे पहले हम इनपुट देंगे, हर किसी में इनपुट दिया जाता है और आउटपुट निकलता है। यहाँ पे हमारा आउटपुट निकलेगा, एक डॉन बिट निकलेगा, एक टीटी बिट निकलेगा, ठीक है। ये डॉन बिट है, ये टीटी बिट है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग आउटपुट देंगे I 0.0, ठीक है। ये टी ऑफ टाइमर का ब्लॉक डायग्राम है। ये ब्लॉक डायग्राम अंदर में क्या होता है, आप लोग टी ऑन टाइमर में जैसे बताया था वैसे ही है टी ऑफ टाइमर में क्या होता है। पहले हम टाइमर का नाम होता है, टाइमर मान लीजिए T0 का नाम देंगे, टाइमर का नाम T0। उसके बाद होता है टाइम बेस, टाइम बेस हम लेंगे मान लीजिए 20 सेकेंड लेंगे, सॉरी टाइम बेस में 1 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, ऐसे होता है 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.001 सेकेंड, जीरो ऐसा होता है 0.-3 सेकेंड, ठीक है। टाइम बेस में 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, ये होता है। हम लोग हमेशा मैक्सिमम जगह में 1 सेकेंड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्रीसेट लेंगे। मैं आप लोगों को पिछले क्लास में प्रीसेट का वैल्यू कैसे निकालेंगे बताया था। मान लीजिए हम टाइमर में जो हम टाइमिंग सेट करेंगे 20 सेकेंड का लेंगे, तो अगर यहाँ पे टाइम बेस हम 1 सेकेंड का लेंगे तो प्रीसेट में हम लोग को कितना देना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया था हमारा टी ऑन टाइमर में, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं पिछले क्लास मेरा जाके वीडियो देख सकते हैं। तो प्रीसेट में हम यहाँ पे 20 लेंगे। अगर यहाँ पे 0.1 सेकेंड लेंगे टाइम बेस में, प्रीसेट में हम लोग यहाँ पे 200 लेना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर
ये जब फंक्शन करेगा एक्यूमुलेटर वैल्यू हमारा इंक्रीज होते जाएगा, पहले 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, ऐसे करते 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 1920 ये एक्यूमुलेटर वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, तो ये टी जीरो का डाउन बीट है, ये टी जीरो का टीटी बीट है। ठीक है, ये टी ऑफ टाइमर का डाउन बीट है, टीटी बीट है, ये हमारा टी ऑफ टाइमर का ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता देता हूं, ये इनपुट सेक्शन है, ये आउटपुट सेक्शन है। इनपुट सेक्शन में हम आई 0.0 को इनपुट दिए। ठीक है, यह हमारा आउटपुट, जब इनपुट देंगे तब हमारा टी ऑफ टाइमर में, अगर इनपुट यहां पे दिए टी ऑफ टाइमर में तुरंत हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा। ठीक है, डॉट बिट ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 20 सेकंड का दिया गया है, 20 सेकंड के बाद हमारा टाइमर ऑफ होगा, ये डॉट बिट ऑफ हो जाएगा। ये जब इनपुट दिए ये डॉट बिट ऑन हो गया। ठीक है, यहां पे 0-1 हो गया, उसका 2 हुआ, उसका 3 सेकंड हुआ। आप लोग का टाइमर में जैसे घड़ी में जैसे चलता रहता है वैसे ही चलेगा, जब ये 20 सेकंड पहुंच जाएगा 0, 1, 2, 3, 19, 20, जब ये 20 हो जाएगा तब हमारा डॉन बीट ऑफ हो जाएगा, डॉन बीट में आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा, ये हमारा लो हो जाएगा। ठीक है, ये डॉन बीट का काम है। टीटी बीट का क्या काम है? टीटी बीट का जो काम हमारा टी ऑन टाइमर में था वो काम हमारा टीटी बीट में सेम है। टीटी बीट क्या फुल फॉर्म है? टाइमर टाइम बीट। जैसे हमारा टाइमर चलता रहेगा, टी ऑन टाइमर में टाइमर चलता रहेगा तो हमारा टीटी बीट मिलेगा, टी ऑफ टाइमर में टाइमर चलता रहेगा टीटी बीट मिलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो टी ऑन टाइमर है और टी ऑफ टाइमर का टीटी बीट सेम है। और एक होता है एनेबल बिट, यहाँ पे एक एनेबल बिट होता है, यहाँ पे होता है पीएलसी लैडर सिमुलेटर, जहाँ पे अगर एलन ब्रैडली का RX 5000 हमारा जो लॉजिक है वहाँ पे, यहाँ पे होता है, ऊपर में होता है एनेबल बिट, यहाँ पे मान लीजिए एनेबल बिट। ठीक है, या RX लॉजिक जो 5000 है उसमें होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। When and preset value not equal to accumulator value, अगर preset value accumulator value से सेम नहीं है then done बीट विल ऑन। ठीक है, यहां पे ये बोलना है अगर प्रीसेट वैल्यू, ये प्रीसेट वैल्यू 20 है, एक्यूमुलेटर वैल्यू 0, 1, 2 अगर हो रहा है तो ये हमारा डॉन बीट ऑन होगा। व्हेन सेट इक्वल टू डॉन बीट, इक्वल टू एक्यूमुलेटर वैल्यू, सॉरी इक्वल टू एक्यूमुलेटर वैल्यू डॉट बीट विल ऑफ, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अगर ये मैं जैसे समझाया समझ नहीं आ रहा है ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। अगर प्रीसेट वैल्यू एक्यूमुलेटर वैल्यू से सेम नहीं है, ये प्रीसेट वैल्यू या एक्यूमुलेटर वैल्यू, अगर 20 में अगर 1 है अभी तो हमारा डॉन बीट ऑन होगा, मतलब ये जो काउंटिंग हो रहा है उस टाइम में ऑन होगा। अगर प्रीसेट वैल्यू एक्यूमुलेटर वैल्यू सेम हो जाएगा, ये 20 का 20 आ जाएगा, डॉन बीट विल बी ऑफ। ठीक है, तो टीटी बीट का क्या काम है? व्हेन प्रीसेट वैल्यू इक्वल टू एक्यूमुलेटर, मतलब ये टाइमर जब चलता रहेगा तो टीटी बीट विल ऑन। हम लोग ये बोल सकते हैं When timer is counting, then TT bit
will on. Otherwise statement will be off. अगर टाइमर काउंट रहेगा, ये ऑप्शन ये भी हो सकता है. अगर प्रीसेट वैल्यू नॉट इक्वल टू एक्यूलेटर वैल्यू, टीटीबिट विल ऑन. और आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये टाइमर अगर चलता रहेगा हमारा टीटीबिट विल ऑफ, टाइमर ऑफ टीटीबिट विल ऑफ. ठीक है, तो ये था टी ऑफ टाइमर के बारे में. अगले क्लास में मैं टी ऑन टाइमर का एक प्रॉब्लम आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा. बस आज के क्लास बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच.